अस्सलाम वालेकुम। हम बना रहे हैं पालक गोश्त चावल। ये बहुत पसंद किया जाता है, स्पेशली वेडिंग्स वगैरह पे काफ़ी चलता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये 3 किलो पालक है जिसके सिर्फ मैंने पत्ते तोड़े हैं, और उसके बाद इसको बॉईल करेंगे, फिर ग्राइंड करेंगे। और ग्राइंडर आपने ज़्यादा नहीं चलाना जिसकी वजह से ये पतला हो जाए, बिल्कुल थोड़ा सा आपने ग्राइंड करना है इसको। मटन यूज़ कर रही हूँ मैं, और ये 1 kg से ऊपर है। 2 टीस्पून हम रेड चिली लेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी लेंगे, नमक लेंगे 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून लेंगे गरम मसाला, 1 टीस्पून लेंगे हम ब्लैक पेपर, अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, दही लेंगे 1/2 कप, और बड़ी इलायची लेंगे 2 से 3 अदद, थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी। और ये स्किप नहीं करनी है क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, ये लाजमी है। और उसके बाद प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, और टमाटर मेरे जो हैं वो फ्रीज हुए हैं तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। कुकर में गोश्त, प्याज और अदरक लहसुन, लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाल के मैं पकने छोड़ दूंगी। अगर आप फ्रेश टमाटर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी साथ ही ऐड कर दे, और इसके अंदर पानी डाल के 12 मिनट के लिए कुकर लगा दूंगी। गोश्त गल गया है और साथ ही इसमें टमाटर डाल दूंगी मैं। पानी खुश करने के बाद इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से भूनेंगे, और जो टमाटर के छिलके हैं उनको निकाल देंगे। भूनने के बाद इसमें दही डालेंगे और दोबारा से भूनेंगे, और बड़ी इलायची भी बीच में ऐड कर देंगे। गोश्त को अच्छे से भूनने के बाद इसमें पालक ऐड करेंगे, और साथ में हम गरम मसाला और काली मिर्च भी ऐड कर देंगे। पालक के थोड़ा पकने के बाद मैंने इसमें हरी मिर्च और साथ ही कसूरी मेथी भी डाल दी है। अब इसको कवर करके थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे और इसका पानी ड्राई करेंगे। थोड़ी देर पकने के बाद पालक ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। अब इसको लो फ्लेम पर रख कर चावल रेडी करेंगे हम अपने। ये 3 गिलास चावल हैं भीगे हुए, और नमक है 1 टीस्पून, सब्ज इलायची है, बादियान का फूल और तेज़पत्ता लेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च है, चॉप लहसुन है, और चिकन क्यूब है 2 अदद ले रही हूँ मैं। कुकिंग ऑयल में हम लहसुन और साथ में इलायची डालकर इसको पकने देंगे। जब ये ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर पानी डाल देंगे, फिर नमक और काली मिर्च भी डाल देंगे। बॉईल आने पर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, बादियान का फूल और तेज़पत्ता, और साथ में चिकन क्यूब्स डाल के हम चावल डाल देंगे। पानी ड्राई हो गया, अब इसमें फूड कलर ऐड करेंगे हम, और फिर इसको दम पे रख देंगे। ये अब रेडी है, ये उसकी फाइनल लुक। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो।